जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा रोड का माइक जो है वो खराब हो गया था और पिछला सैटरडे को मैंने उसको सर्विस सेंटर में देके आए थे। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि रोड का माइक अगर खराब हो जाता है तो वो रिपेयर नहीं होता, वो रिप्लेस ही होता है। अगर वो वारंटी पीरियड में है तो आपको फ्री में रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, और नहीं तो वो आपको फेंकना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो रोड का माइक था वो वारंटी पीरियड में था, 1 साल का वैसे वारंटी पीरियड होता है, उसको आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं 1 साल का, तो 2 साल का वारंटी पीरियड होता है। तो अभी भी तकरीबन मेरे ख्याल से 7-8 महीने बच रहे थे। तो आज जो है आप देख सकते हैं कि रोड वालों ने, जो सर्विस सेंटर जहाँ पे मैं देखे आया था, ट्राइमैक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने ये कोरियर करके भेज दिया है। तो इसका आप अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो एक तो पहले ये इन्होंने एक डब्बा भेजा है अपना ही, ठीक है। इसको हम फेंक देते हैं ऐसे, और इस तरह से आपको रोड का वायरलेस गो टू माइक आपको मिलेगा। ये पूरा सील पैक्ड है, नया है, तो इसको भी आप खोलना पड़ेगा, ठीक है। कैसे खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं इसको, चाकू से अनबॉक्स करना पड़ेगा। पूरा सील्ड है ये, ठीक है। अरे बापरे, बहुत हार्ड है ये, खुल जा सिम सिम। बहुत अच्छा पैकिंग है, तो इसको तो काट देते हैं ऐसे करके। तो ये मैंने इसका अनबॉक्सिंग कर लिया है, और इसको आप खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये डब्बा जो है इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। ये डब्बा जो है इसको साइड में रखते हैं, और देखिए ये सारे सामान आपको मिलेंगे। तो एक तो आपको ये ऐसे पाउच मिलेगा, इस पाउच में आप सारे चीज रख सकते हैं। इसमें आपको माइक मिल जाएंगे, आप देखिए, एक रिसीवर है और 2 ट्रांसमीटर है। ये जो आप देख रहे हैं ये रिसीवर है और ये 2 ट्रांसमीटर, ठीक है। और ये आप जो देख रहे हैं ये डेड कैट है, इसको डेड कैट बोलते हैं। बाहर आप यूज कर सकते हैं इसको, अगर बहुत ज़्यादा विंड वगैरह है तो इसमें ये काम आता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे वायर्स हैं, ये देख लेते हैं क्या क्या है। तो बेसिकली ये पूरा नया है, पूरा रिप्लेस हो गया है आपका, तो सारा चीज़ आपको फिर से मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको एक मिलेगा जहाँ पे पूरा गाइड वगैरह है, आप पढ़ सकते हैं इसको। और ये USB, आपको USB मिल जाएगा, और एक ये कनेक्टर भी मिल जाता है, इसी से आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन में या फिर कैमरा में, ठीक है। तो सारा चीज़ है, यही चीज़ होते हैं। अभी फ़िलहाल जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैंने कल जो मंगाया था, एक माइक्रोफोन, वायरलेस माइक्रोफोन जो मोबाइल में ही लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो है मोबाइल में भी लग जाता है, कैमरा में भी लग जाता है। तो अभी इसको भी टेस्ट करके देखेंगे कैसा है। तो ये था एक छोटा सा अनबॉक्सिंग, मुझे लगा कि आप लोग को दिखा देते हैं, शेयर कर देते हैं। तो क्या है कि अगर आप एक अच्छे ब्रांड में जाते हैं तो फ़ायदा भी है, बहुत फ़ायदा भी रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 30,000 का माइक है, और ये वारंटी पीरियड में था, खराब हो गया, तो पूरा नया इन्होंने रिप्लेस कर दिया, और बहुत ही फास्ट सर्विस था। सैटरडे को मैं दिया था और आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को ये आ गया, बिल्कुल नया है, आपके सामने मैंने अनबॉक्स करके दिखाया है। तो ये फ़ायदा होता है क्वालिटी प्रोडक्ट का, अच्छे ब्रांड का। तो इसलिए अच्छे ब्रांड में जाना चाहिए, और आपको कम से कम मन की शांति ज़रूर मिलेगा। 30,000 का ये माइक्रोफोन है, लेकिन मन की शांति है। हालांकि ये खराब होता नहीं है, यूजुअली खराब नहीं होता, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन मेरा किस्मत खराब था तो इसलिए ये खराब हो गया। तो ये वारंटी पीरियड में था तो इसलिए ये रिप्लेस भी हो गया। तो ये एक फायदा होता है अच्छे ब्रांड के साथ जाने का। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग क्या ब्रांडेड के साथ जाते हैं, क्वालिटी पे फोकस करते हैं, या सस्ते चीज आप लोग को पसंद है ज्यादा, कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।